सो हेलो पीपल, वेलकम टू विकास फिटनेस गाइड वंस अगेन। सो आज का जो वीडियो है, आज मैं आपने बताने वाला हूं आपको हाउ टू अप्लाई फॉर ऑक्सीजन जिम बहरेन, और जो आपका मतलब यूएई के अंदर जो बहरेन है, कुवैत है, यहां पे आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा जिम है। तो ऑक्सीजन जिम के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हमारा वीडियो है जो हम बनाने वाले हैं। एक बात और कहना चाहूंगा यार, मैं वीडियोज बनाता हूँ करता हूँ, आज के लिए व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो मेरा भी यार मन नहीं करता वीडियो बनाने का। अगर यार व्यूज ही नहीं आ रहे, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो मेरा वीडियो बनाने का क्या फायदा है। तो इट डजेंट मैटर फॉर मी। तो क्या मेरे चैनल को हमारे आई थिंक 2 साल हो गए। मुझे लगता है लोगों को यार उठपटांग वीडियो देखना ज्यादा पसंद है, हरकतें चीजें देखना, व्लॉग्स ज्यादा पसंद है, या मतलब इस टाइप्स के चैनल ज्यादा पसंद हो गए। मुझे नहीं पता फिटनेस के इतने कम व्यूज आने लगे हैं आजकल, बहुत कम लेस व्यूज आने लगे हैं मेरे खुद के चैनल पे। तो मतलब इट्स नॉट वर्थ एक्चुअली यार। तो चलो जो भी है, चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं इन बातों को छोड़ के। सो हेलो गाइस, सो वीडियो है हमारा हाउ टू अप्लाई फॉर ऑक्सीजन जिम करियर, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन जिम का लोगो है यहाँ पर बनाया हुआ है, तो काफी अच्छी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या है। अप्लाई करने से पहले आप यहाँ के जो पर्सनल ट्रेनर है, ऑलरेडी आप यहाँ पे जाएंगे और वो ऑक्सीजन की टीम पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन के पर्सनल ट्रेनर्स कौन कौन से हैं। तो अभी राइट नाउ जो ये दिख रहे हैं, ये आपको सारे पर्सनल ट्रेनर्स हैं, और इन सब का बायोडाटा आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। तो क्रिश रॉलिंसन इसका नाम है, हाईली साइंटिफिक पर्सनल ट्रेनर विद अ डीप कम्प्रीहेंशन नॉलेज ऑफ एनाटमी एंड बायोमैकेनिक्स। तो ये आप देख सकते हो, एनाटमी और बायोमैकेनिक्स के बारे में बहुत सी जानकारी रखता है बंदा। तो यार कोई तगड़ा है पर्सनल ट्रेनर, ऐसे छोटे मोटे पर्सनल ट्रेनर नहीं रख रखे इन लोगों ने। जनरल रिसीव फोर्थ प्लेस इन द बहरेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, इनकी फोर्थ प्लेस आई है। नेशनल डे 2006 दोनों में इन्होंने प्लेस करी हुई है। और ग्लैन ग्लीन नाम इनका, ग्लीन हैज बीन वर्क इन द फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री सिंस 2006, ये भी एक बंदा है। सो आप देखेंगे यार अभी तक जो भी पर्सनल ट्रेनर है इंडिया का से तो कोई भी नहीं है। मोहम्मद है, मोहम्मद वन ऑफ द बॉक्सिंग ट्रेनर सेशन आर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल एंड ओपन टू ऑल, वेदर यू एक्सपेरियंस एज एन एब्सोल्यूट बिगिनर फिट और अनफिट, लुकिंग टू फाइट और जस्ट वॉन्ट अ ग्रेट वे टू डी स्ट्रेस गेन कॉन्फिडेंस लर्न सेल्फ डिफेंस, ठीक है। ये सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं करते हैं, बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर है यार। एजे इज अ लेवल 2 सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड लेवल 1 क्रॉस फिट ट्रेनर। ही स्पेशलाइजेस इन बॉक्सिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बेसिक जिमनास्टिक्स, स्ट्रेंथ एंड स्पोर्ट्स एंड कोर कंडीशनिंग। ही रिसीव्ड फोर्थ प्लेस इन बहरेन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इन 2007। मतलब जो भी यहाँ पे है ना, सब यार स्पोर्ट फील्ड से हैं, कहीं ना कहीं स्पोर्ट साइंस में डिग्री है किसी के पास, और किसी ने नेशनल लेवल पे या ओलंपिक लेवल पे कुछ ना कुछ खेला हुआ है। तो यार दे आर हाईली पेड एंड रेस्पेक्टेड ट्रेनर्स इन, दे आर वर्किंग इन ऑक्सीजन जिम एक्चुअली राइट नाउ। सो पर्सन ट्रेनर ये है, इफ यू आर गोल फॉर वेट लॉस गेन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका नाम क्या है, लिए मुझे नहीं पता है, LVY लीवी जो भी हो सकता है इंस्ट्रक्टर। लाफर एंड कैटल बेल्स में भी है, सस्पेंशन ट्रेनिंग बेनिफिट, मतलब काफी अच्छा है यार सबका। मैथ्यू इज अ सर्टिफाइड लेवल 3 पर्सनल ट्रेनर विद 7 ईयर एक्सपीरियंस इन द फिट एंड इंडस्ट्रीज। हिज सर्टिफिकेशन इंक्लूड स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग, स्पीड, एजिलिटी, क्विकनेस, एज वेल एज फिजिकल ट्रेनिंग इन डिफरेंट आउटडोर इन्वायरमेंट। हिज डायनेमिक ट्रेनिंग स्टाइल इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, बॉडी बिल्डिंग, क्रॉस ट्रेनिंग, फंक्शन टू स्पोर्ट्स। मतलब आप देख सकते हैं सारे ट्रेनर्स हैं ना बड़े शानदार। अब मुझे किसी ने ये सवाल किया था कि सर हम ऑक्सीजन जिम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई करने से पहले आप सोच लो कि यार आपके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, आप नेशनल लेवल खेला हुआ है, या आपने बॉडी बिल्डिंग कुछ खेली हुई है, या आप एक परफेक्ट बॉडी बिल्डर हो, या आपने NSCA सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का सर्टिफिकेशन किया हुआ हो, CSCS हो, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर भी, आप एक बार अगर आप एज सर्टिफाइड पर्सन ट्रेनर हो या ACSM सर्टिफाइड हो, तो आप अप्लाई करके आप देख सकते हैं। लेवल 3 का कोई भी सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तो अप्लाई करके आप देख सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे यार अप्लाई करने का तरीका नहीं बताया सर ने। तो अप्लाई करने का तरीका ये है, यहाँ करियर में जाइए आप, ठीक है। करियर में जाने के बाद आप टू अप्लाई फॉर अ पोजिशन विद ऑक्सीजन जिम, प्लीज सेंड अ कॉपी ऑफ योर CV अलॉन्ग विद योर नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स टू इन्फॉर्मेशन एंड oxygenjim.com। यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है तो इनके फेसबुक पेज पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर फेसबुक पेज से भी अप्लाई नहीं आता है तो आप लिंक्डइन डॉट कॉम पे जाके इनके फिटनेस मैनेजर्स का नंबर आप ले सकते हैं।
या जो भी जिम का मैनेजर है, ऑक्सीजन जिम से रिलेटेड जो भी आपको बंदे मिलते हैं, आप उनको अपना सीवी सेंड कर सकते हैं मैनेजर्स को या फिटनेस मैनेजर्स को, तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप डिटेल ले लेंगे। अगर आपकी डिटेल यहाँ पे इनको लगता है कि आप वाकई में आपके यहाँ पे आप काम करने के लायक हैं, आप में वो क्वालिफिकेशन है कि आप ऑक्सीजन जिम के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जितने भी ट्रेनर हैं इस वक्त वो सारे हाईली प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, और 100% मैं ये कह सकता हूँ कि दे आर रेस्पेक्टेड ट्रेनर और वेरी वेल पेड। इन सबकी सैलरीज वाकई में आराम से, अगर दुबई की करेंसी में बात करूँ मैं एईडी के अंदर, तो 10,000 दिरहम से कम किसी ट्रेनर की भी सैलरी नहीं होगी। बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर इन सबका, बहुत अच्छा होगा, मतलब 8,000 से तो ऊपर ही, 8,000 दिरहम तो मिनिमम है ही सबकी सैलरी, तो काफी अच्छा सैलरी पैकेज होगा इन लोगों का, और विथ इंसेंटिव 100% होगा। सो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट आप में क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास।